हम इंसान हमेशा से ही सोचते आए हैं कि हम हमारी पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करें और वहां इंसानी बस्ती बसाएं। लेकिन आज के विज्ञान की खोजों को देखें तो अगर हम ब्रह्मांड के किसी भी अन्य ग्रह पर अपने पैर रखेंगे तो वहां की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही खराब एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में तबाह हो जाएंगे। हम वहां चाहकर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो, और यकीन मानिए आप इनके बारे में जानकर डर जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। नंबर वन, J1407b। इस ग्रह को ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे सुंदर ग्रह में से एक माना जाता है, जिसे सुपर सैटर्न भी कहा जाता है। ये अपने पास मौजूद बड़े बड़े रिंग सिस्टम के लिए ज्यादा फेमस है। इसके रिंग्स हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की रिंग से 640 गुना ज्यादा बड़ी है, और इसलिए ये इतना खूबसूरत और खतरनाक दिखाई देता है। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 434 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से वहां चलकर जाते हैं तो हमें 434 साल लगेंगे। ये ग्रह सेंटोरस तारामंडल में मौजूद है, जो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा गया इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास शनि ग्रह जैसी रिंग्स हैं। अगर इस ग्रह को शनि ग्रह की जगह रख दिया जाए तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से इतना बड़ा दिखाई देगा जितना कि फुल मून भी दिखाई नहीं देता, और इसकी रिंग्स आसमान में इतनी ज्यादा सुंदर लगेंगी जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप खुद ही अंदाजा लगा कर देख लीजिए, अगर आपको आसमान में ऐसा ग्रह दिखाई दे जिसकी इतनी बड़ी रिंग्स हो तो आपको कैसा लगेगा। इस ग्रह के रिंग्स के बीच में खाली जगह भी मौजूद है जहां पर चांद भी मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ग्रह के पास चांद भी हो सकते हैं, बिल्कुल हमारे शनि ग्रह की तरह। नंबर टू, GLIESE 581c। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 20 लाइट वर्ष दूर है, यानी करीब 192 ट्रिलियन किलोमीटर। ये ग्रह लिब्रा नाम के तारा मंडल में मौजूद है। ये ग्रह अपने तारे का चक्कर 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगाता है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह और इस तारे के बीच की दूरी हमारे ग्रह से मात्र 7% ही है। ये ग्रह टाइडली लॉक है, जिसका मतलब ये है कि एक तरफ का हिस्सा हमेशा इसके तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा तारे की दूसरी साइड रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा चांद है। इस वजह से इस ग्रह की एक साइड का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि आप 1 सेकंड में जल जाएंगे, और दूसरी तरफ का तापमान इतना कम होता है कि आप 1 सेकंड में जम जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अच्छे ग्रह में गिना जा सकता है। नंबर थ्री, GJ1214b। अगर बात की जाए ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रहों के बारे में जिन पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है, तो इस ग्रह का नाम हमेशा टॉप पर ही आएगा, क्योंकि इस ग्रह पर इतना ज्यादा पानी है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, और इसीलिए इस ग्रह को द वॉटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस ग्रह पर सतह के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है और सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। मतलब यहाँ पर जमीन का नामो निशान ही नहीं मिलेगा, जैसा आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा जब कॉपर अपने साथियों के साथ पानी से भरे ग्रह पर लैंड हो जाता है। वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में ऐसा कहते हैं
आप इसे बृहस्पति के चांद यूरोपा का बड़ा वर्जन कह सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि इस ग्रह के समुद्रों के नीचे काफी ज्यादा आधुनिक जीव रह रहे हों, जिन्होंने अपनी बस्तियां ही पानी के नीचे बसाई हों और पानी के अंदर ही रहना सीखा हो। वैसे आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत पानी के अंदर ही हुई थी। नंबर 4, GLIESE 436b। इस ब्रह्मांड में बहुत ही कम चीज ऐसी मिलती हैं जो भौतिकी के नियमों को गलत साबित करते हैं, और उन्हीं में से ये ग्रह GLIESE 436b एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और ये लियो नाम के तारा मंडल में मौजूद है। ये ग्रह अपने तारे का बहुत पास से चक्कर लगाता है। आपको तो पता ही होगा, हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास जो चक्कर लगाता है उसका नाम है मरकरी। लेकिन इस ग्रह का और हमारे मरकरी का कंपैरिजन किया जाए तो ये ग्रह अपने तारे का 15 गुना और पास से चक्कर लगाता है। इसकी वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रह तो बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतना ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी इस ग्रह पर बर्फ जमी हुई है, और यही बात जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। और कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया, उस ग्रह में बर्फ ठंड की वजह से नहीं बल्कि इसके बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। ये ग्रह अपने तारे का चक्कर मात्र 15 घंटों में लगा लेता है, जो इसके 2 दिनों के बराबर है। नंबर 5, 55 कैंक्राई ई। जब भी किसी बहुत स्ट्रेंज प्लेनेट की बात होती है तो इस ग्रह का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से मात्र 40 प्रकाश वर्ष दूर है। ये लियो कॉन्स्टलेशन नाम के तारा मंडल में मौजूद है। ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, 8 गुना ज्यादा द्रव्यमान है। ये जिस तारे के पास चक्कर लगाता है उस तारे के पास बहुत भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है, हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा। और इस ग्रह का भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कार्बन का ही बना है, और इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और तापमान मौजूद है, इसलिए ये कार्बन हीरों के रूप में बदल जाता है। इस ग्रह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस है, और ये ग्रह हीरों का बना हुआ है, और यही बात इस ग्रह को दुनिया में फेमस बना देती है। ये सुपर प्लेनेट अपने तारे के 18 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के 18 घंटे इस ग्रह के 1 साल के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप पहले से ही इन ग्रहों के बारे में जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।